अभी दिवाली आई भी नहीं है और हमारे टीम इंडिया के प्लेयर्स हमको धमाके पे धमाका के सेलिब्रेशन दे रहे हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया की बांग्लादेश के सामने जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से पहला मैच हमने पूरी तरीके से जीत लिया है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रीजन है रविचंद्रन अश्विन। क्योंकि आजकल पुराने प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट, यानी कि आप समझो कि पॉपकॉर्न में बनाते समय कैसे फट सारे पॉपकॉर्न फूटने लगते हैं, वो वैसे ही रिप्लेसमेंट्स के प्लेयर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि उसमें से चुनना मुश्किल हो गया है। पर हमारे टीम इंडिया के जो टॉप फोर बेस्ट परफॉर्मर्स है वो अपनी बात बार बार हमको बता रहे हैं परफॉर्मेंस दिखा के, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। तो उसमें मैं तीन बंदों की बात करूंगा, रविचंद्रन अश्विन, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत की तो मैं बात करना चाहूंगा कि उनके बिना मुझे इंडियन टेस्ट टीम की स्क्वाड बिना बोलते ना कि बिना आलू की सब्जी, यानी कि आलू सभी चीज में जाता है, वैसे ऋषभ पंत भी टेस्ट टीम में होना जरूरी है, क्योंकि उनके जैसे रन और उनके जैसे सिक्सर्स मुझे नहीं पता कि आज तक किसी ने लगाया है, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे बस रन्स बनाते हैं। उनको किसी की बात भी फिक्र नहीं है कि मैं पहले बॉल पे आउट हो जाऊंगा या कि आखिरी बॉल पे आउट होऊंगा या मेरी बैटिंग भी नहीं आएगी, पर जब भी उनकी बैटिंग आती है वो बिना कुछ सोचे खेलते हैं और उसी की वजह से हमको काफ़ी मज़ा आता है। तो उन्होंने सेकेंड इनिंग में 109 रन, यानी कि 2 साल के बाद जो बंदा वापस आता है एक्सीडेंट के होने के बाद और इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना, ओहो माइंड ब्लोइंग बॉय। और फिर शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने 119 रन बनाए और हमारे रविचंद्रन अश्विन भाई उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। जैसे कि वो हैरी पॉटर में ऐसा ही होता है कि जब वो जादू की छड़ी घुमाता है तब हर जगह पे जादू फैलने लगता है, और चाहे जो भी हो पर उन्होंने 113 रन बनाए और 6 विकेट्स लिए, उसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी बोला गया, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन इस एज में भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करना माइंड ब्लोइंग। और आप समझो कि हर एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, मैं नहीं मानता कि हर एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको खिलाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनकी एज के डिपेंडेंट आपको खिलाओ, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर ऐसा होता है कि एज हो गई तो उसको बिठा दो, नहीं अच्छा कर रहा तो बिठा दो, भाई चांस तो दो, तुम चांस दोगे तो बंदा अच्छा कर पाएगा। तो मुझे इस हिसाब से लगता है कि ये तीनों बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं और इनकी वजह से इन सारे प्लेयर्स को एक टीम में डाला गया है। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहे, और 2024 मैंने जैसे कि पहले सारे वीडियोज़ में भी बोला हुआ है कि 2024 इज़ द लकी चार्म फॉर इंडिया, वो सारे चाहे कोई भी हो, क्रिकेट हो, ओलंपिक हो, हॉकी हो, चाहे कोई भी बात हो, 2024 इंडिया का साथ दे रहा है, तो उसी तरह आप भी मेरा साथ दीजिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। बाय बाय।